हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट वुड हैव मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो पहला है ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p4, ये होता है 1s2 2s2 2p5। अब फ्लोरीन के पास, ऑक्सीजन के अगर कंपेरिजन करें तो फ्लोरीन के पास एक प्रोटोन भी ज्यादा है और एक इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा है। इसके वजह से फ्लोरीन कंटेन्स वन प्रोटोन मोर देन ऑक्सीजन, सो इट्स न्यूक्लियस कैन अट्रैक्ट द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन मोर स्ट्रॉन्गली इन कंपेरिजन टू न्यूक्लियस ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम जितना स्ट्रॉन्ग तरीके से अपने इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से फ्लोरीन खींच सकता है। क्यों? कि फ्लोरीन के पास ज्यादा प्रोटोन है। उसके अलावा फ्लोरीन नीड ओनली वन मोर इलेक्ट्रॉन टू अटेन द स्टेबल नोबल गैसेस, और फ्लोरीन को सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए नोबल गैस नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन पाने के लिए, जबकि ऑक्सीजन को दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या होता है कि इसी वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि फ्लोरीन ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी लगाएगा और इसका स्टेबिलिटी के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो फ्लोरीन हैज मोर निगेटिव, फ्लोरीन हैज मोर नेगेटिव, फ्लोरीन यहाँ पे ज्यादा नेगेटिव है। अब दूसरे नंबर में अगर देखो फ्लोरीन और क्लोरीन में, तो फ्लोरीन एंड क्लोरीन, फ्लोरीन और क्लोरीन सेम ग्रुप से है, ये दोनों सेम पीरियड से था, अब ये सेम ग्रुप से है, तो सेम ग्रुप से अगर रहता है तो हम लोग ऊपर से नीचे जाने पर निगेटिविटी क्या होता है, घटता है, और निगेटिविटी बढ़ता है, सॉरी निगेटिविटी घटता है और पॉजिटिविटी बढ़ता है। ठीक है, ये 2 7 और ये हो जाएगा क्लोरीन का 2 8 7। तो हम लोग लिख सकते हैं द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यूजुअली बिकम लेस नेगेटिव ऑन मूविंग द ग्रुप। द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यूजुअली बिकम लेस नेगेटिव ऑन मूविंग डाउन अ ग्रुप, मूविंग डाउन अ ग्रुप। ठीक है, तो ऊपर से नीचे जाने पर ये लेस नेगेटिव होता है, तो फ्लोरीन क्या होगा, ज्यादा नेगेटिव होगा, और क्लोरीन क्या होगा, कम नेगेटिव होगा, तो फ्लोरीन हमारा ज्यादा नेगेटिव हो गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।